बीते दिन पंजाब में शिरोमणि अकाली दल में चल रहे बगावत के बीच अचानक कोर कमेटी भंग कर दी गई थी। आपको बताएं कि बागियों ने सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे की मांग रखी थी। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी रघुवीर सिंह को स्पष्टीकरण देने के लिए पहुंचे थे। हालांकि वे बिना मीडिया से बातचीत के ही वापस लौट गए। गौरतलब है कि सिंह साहिबान द्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी गुरमीत राम रहीम सिंह को माफी देने के समर्थन में समाचार पत्रों में दिए गए 90 लाख रुपए के विज्ञापन के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने भी इस संबंधी बंद लिफाफे में जत्थेदार को जवाब सौंप दिया है। सुखबीर की तरह उन्होंने स्पष्टीकरण के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं कोर कमेटी भंग होने के बाद अकाली दल के प्रवक्ता और सीनियर नेता डॉक्टर दिलजीत चीमा ने कहा था कि वर्किंग कमेटी ने सुखबीर बादल को पार्टी संगठन को नए सिरे से बनाने के अधिकार दिए हैं। पिछले दिन ही पार्टी की वर्किंग कमेटी ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब नूं ऑथराइज किया सी कि पार्टी की जिहड़ी जथेबंदी है इहनूं नवे सिरे तों ऑर्गेनाइज किया जाए और अज पार्टी के सीनियर लीडर साहबान के नाल प्रधान साहब की मीटिंग के विच फैसला किया गया कि पहले गेट के विच पार्टी की कोर कमेटी जिहड़ी है उन्हों रीओरगनाइज किया जाए। उहदे वास्ते जिहड़ी मौजूदा कोर कमेटी है उन्हों भंग कर दिता गया और बहुत जल्दी जिहड़ी नवी कोर कमेटी है वह जिहड़ी है दुबारा अनाउंस की जाए। अज सारे सीनियर लीडर सरदार बलविंदर सिंह जी भुंदड़ साहब एस जी पी सी के प्रधान साहब सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब सरदार परमजीत सिंह जी सरना सरदार महेशिंदर सिंह जी गरेवाल साहब इकबाल सिंह झूंडा जी सारे ही अज की मीटिंग के हाजिर सी। सो छेती दोबारा जिहड़ी नवी जथेबंदी है कोर कमेटी है वह अनाउंस की। इससे पहले 1 जुलाई को श्रोमणी अकाली दल के बागी गुट के नेताओं ने श्री अकाल तख्त पर पेश होकर जत्थेदार को पूर्व अकाली सरकार के दौरान हुई गलतियों और गुनाहों के लिए माफीनामा सौंपा था। नेता प्रेम सिंह चंदुमाजरा बीबी जागीर कौर और अन्यों ने माफीनामा में कहा था कि पूर्व डिप्टी सीएम और पार्टी प्रधान सुखबीर बादल की अगुवाई में सरकार में रहते हुए उनसे बजर गुनाह हुए थे जिसके चलते वो इन गुनाहों का पश्चाताप करना चाहते हैं। सिंह साहिबानों का कहना था कि श्रोमणि अकाली दल के प्रधान ने ही पंथ की सही तर्जमानी नहीं की है इसलिए वो खुद अकाल तख्त पर पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दे। इसी संदर्भ में आज सुखबीर बादल अकाल तख्त साहिब पहुंचे थे और बंद लिफाफे में अपना स्पष्टीकरण दिया है। कोर कमेटी के कुछ नेताओं ने लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद सुखबीर बादल के इस्तीफे की मांग की थी। इसे लेकर श्रोमणि अकाली दल में घमासान मचा हुआ था। विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाले नेताओं में सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा, पूर्व एसजीपीसी प्रमुख बीबी जागीर कौर, पूर्व विधायक वडाला और पूर्व मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा और सुरजीत सिंह रगड़ा शामिल थे।